हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा आखिर अपनी माँ से मार्केट में छिप रहा होगा अंगद और साहिबा। यहां पर एक दूसरे को मार्केट में नोटिस नहीं करेंगे। अंगद अपना पैरों पर लगा हुआ जो धब्बा है गोबर का, वो हटाने की कोशिश करेगा और पेन को धो रहा होगा। साहिबा देखेगी कि अकीर भाग रहा है और सामने से ट्रक आ रहा है। साहिबा कोशिश करेगी अपनी साइकिल को जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचाने की, लेकिन वो साइकिल से गिर जाएगी और ज़मीन पर उसे चोट लग जाएगी। अंगद यहां पर स्पॉट करेगा अकीर को उसकी तरफ दौड़ता आता देख और एक ट्रक आ रहा है। अंगद तभी अकीर को बचाने के लिए भागेगा और सही सलामत उसे गोद में उठा लेगा। अंगद और अकीर सड़क पर गिरते हुए जाएंगे। साहिबा सोचेगी कि अकीर का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया और बेहोश हो जाती है। साहिबा का दुपट्टा अकीर और अंगद दोनों पर गिर जाता है। अकीर अपनी मॉम का दुपट्टा लेता है और वहाँ पर वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है अंगद अकीर से, लेकिन अकीर कहता है कि नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। अंगद देखता है कि अकीर कहीं मेरे जैसा एटीट्यूड वाला है, काश मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता। अकीर यहाँ साहिबा के पास आता है, साहिबा को उठाता है, वो देखती है अकीर सेफ है और तभी वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है और साहिबा अकीर को डांटती है और गले लगा करके फूट फूट कर रोती है। वो कहती है कि तुम रोड पर बिना देखे हुए कुछ क्यों चलते हो। अकीर साहिबा से माफ़ी मांगता है, कहता है आप रो मत। अंगद देखता है साहिबा अकीर का ख्याल रख रही है पीछे से और सोचता है कि अकीर की माँ ही इस सारी चीज़ों की जिम्मेदार है, क्योंकि अकीर का एक्सीडेंट हो जाता अगर आज मैं नहीं होता। अंगद देखता है कि उसका जूता एकदम फट चुका है और इसीलिए वो अपने जूते निकाल लेता है और वो नंगे पैर चलने लगता है। साहिबा अकीर से कहती है तुम्हें बचाया किसने। तभी एक औरत वहाँ खड़ी होती है, वो कहती है कि वो जो सरदार जी खड़े हैं ना गाड़ी के पास, उन्होंने बचाए तुम्हारे बेटे को। साहिबा अंगद को पीछे से देखती है और डिसाइड करती है कि वो उसे थैंक्स कहने जाएगी। वो अकीर के साथ उसकी तरफ बढ़ ही रही होगी, लेकिन अकीर उसे रोकता है ये कहकर कि माँ उन अंकल को थैंक यू कहने की ज़रूरत क्या है। अंगद यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है कि उसे मटका टूटा हुआ देखकर साहिबा की पहली मीटिंग की याद आती है। साहिबा बाद में अकीर को चिल्लाती है और वो कहती है कि तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुमने सत्तू अंकल की भैंसों को खोल दिया, उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनके और बाकी लोगों के लिए हो सकती थी। साहिबा अकीर को घर ले आती है और डांटती है। अकीर कहता है कि मैं सिर्फ उन गंदे अंकल को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने मेरे पापा को जेल में रखा था। साहिबा कमेंट करती है और कहती है कि बेटा इससे दूसरों को परेशानी होगी और कुछ नहीं। पुलिस आती है सिमरन को यहाँ पर देखने, उसका स्टेटमेंट लेने। सिमरन अंगद से कहती है कि आप यहीं रहिए ना जब मैं स्टेटमेंट दूंगी। अंगद मान जाता है। साहिबा हॉस्पिटल आती है सिमरन को देखने, एक नर्स मिलती है और वो साहिबा से कहती है कि आइए, आपको पता है आपने उस लड़की को जो एडमिट करवाया था उसका भाई इतना ज़्यादा अच्छा है, भगवान ऐसा भाई सबको दे, वो अपनी बहन का ख्याल पूरी रात रख रहा था। तभी साहिबा को दिलजीत की बात याद आती है। नर्स तभी अंगद के पास जाती है और कहती है कि साहब वो लेडी आई है जिसने सिमरन को एडमिट करवाया था, वो आपसे मिलना चाहती है। और अंगद बाहर आता है। नर्स जैसे ही बाहर आती है वो कहती है कि अंगद सिंह बरार आपका वेट कर रहे हैं। नर्स कहती है पेशेंट ने अभी सिमरन कौर बरार के नाम से ही एंट्री करवाई है। साहिबा के सामने उसका अतीत पूरा गूंज जाता है अंगद और सिमरन सुनकर। साहिबा देखती है अंगद पुलिस के साथ बाहर आ रहा है और बात कर रहा है और साहिबा उसे देखकर मुड़ जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि सिमरन की स्टेटमेंट कंफर्म हो चुकी है, दिलजीत का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो सच कह रहा था। अंगद कहता है कि जी मुझे भी पता चला कि दिलजीत का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और अंगद को यहाँ गिल्टी फील होती है कि उसने दिलजीत पर हाथ उठाया। अंगद कहता है इंस्पेक्टर से कि क्या आप मुझे दिलजीत का एड्रेस दे सकते हैं। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जब अंगद दिलजीत के घर पहुंचेगा तब क्या उसकी मुलाकात साहिबा से होगी। वेल, ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।